हम मनुष्य होमो वंश के जीव है, इसलिए विज्ञान हम मनुष्यों को होमो सेपियंस कहती है। वैज्ञानिक सिद्धांत कुछ हद तक आज के मनुष्य की रूपरेखा समझाने में कारगर सिद्ध हुए हैं। विज्ञान के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में रहने वाले ग्रेट एप्स से हुई थी। जिस परिवार से मनुष्य संबंध रखता है उसे होमिनिडी कहते हैं। यह म्यूसिन काल यानी 53 से 23 लाख साल पहले में पाए जाते थे। फिर इसी परिवार में एक प्रजाति विकसित हुई जिसे ड्रायोपेथिकस कहते हैं। यही वो जीव थे जो प्रारंभिक मनुष्य थे। यह दिखने में आज के समय में पाए जाने वाले वनमानुष जैसे दिखाई पड़ते थे। ड्रायोपेथिकस यह मनुष्य के सबसे पहले ज्ञात पूर्वज हैं।